तो की हाल चाल दोस्तों, रिंकू सिंह के लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। गाइस, कोलकाता को आखिरी ओवर में 29 रन चाहिए थे, जहां बॉलिंग करने आए यश दयाल। ओवर की पहली बॉल पर उमेश यादव ने सिंगल लिया। अब 5 गेंदों पर 28 रन चाहिए थे। वहीं ओवर की दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी बॉल पर रिंकू सिंह ने लगातार 5 गेंदों पर 5 सिक्स लगा दिए, जहाँ कोलकाता ये हारता हुआ मैच 3 विकेटों से जीत गई। रिंकू सिंह ने सिर्फ 31 गेंदों पर नाबाद 48 रन बनाए, जिसमें 6 छक्के और 1 चौका शामिल था, जहां रिंकू सिंह का स्ट्राइक रेट रहा 228 का। गुजरात की ओर से यश दयाल इतने महंगे साबित हुए कि यश ने अपने 4 ओवर में 70 रन दे दिए। रिंकू सिंह की इस आतिशी बैटिंग से पहले राशिद खान ने 17वें ओवर में हैट्रिक ले ली थी, जहां उस हैट्रिक के बाद कोलकाता इस मैच से पूरी तरह बाहर हो चुका था। पर रिंकू सिंह की शानदार बैटिंग ने कोलकाता को इस मैच में वापस लाया, जहां रिंकू सिंह ने आखिरी 5 गेंदों पर 5 सिक्स लगा दिए और कोलकाता ये मैच 3 विकेटों से जीत गई। तो दोस्तों, रिंकू सिंह की पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।